Hey guys, welcome to Penn Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. I am making the Dentistry very easy way with tips and tricks to learn and grasp it very easy way. So keep watching Penn Dentistry, like, subscribe, comment your topic which you want to learn, and hit the bell icon for the latest upcoming videos which I am going to upload it.

तो इसे बोलते हैं necrotizing fasciitis. ये क्या है 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 होता होता करता और invasive means बहुत fast और बहुत रैपिड वे में ये फैलता है ठीक है तो इन्वेजिव का मतलब है fast और रैपिड वे में ये डिस्ट्रक्शन करता है इन्फेक्शन है कैसा डिस्ट्रक्टिव और इनवेजिव ऑफ स्किन स्किन और जो भी सॉफ्ट टिश्यूज है उनको इंक्लूड करेगा आपके डीप फेशिया रीजन को इंक्लूड करेगा और आपके मसल्स को भी इंक्लूड करेगा ठीक है ये है नेक्रोटाइजिंग uh, फेसाइटिस अब कॉमन साइड क्या होती है नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस की आपका मोस्टली ये जेनाइटल रीजन में होता है ग्रोइन रीजन में होता है लोअर एबडोम रीजन में होता है अगर इन सारे रीजन में होगा तो इसको क्या बोलते हैं मेलेनी गैंग्रीन मेलेनी गैंग्रीन इसे बोला जाता है ठीक है ये अदर साइड्स में भी कॉज कर सकता है जैसे कि लिम्स अब नेक्रोडाइजिंग जो फेसाइटिस होता है वो दो टाइप का होता है टाइप टू होता है और टाइप सॉरी ये टाइप वन है और ये टाइप टू है टाइप टू में क्या होता है जब स्ट्रप्टोकोकाइब आपको पा, आपका पायरोजन होगा इन्वॉल्व करने में तब होगा टाइप टू और जब टाइप वन होगा तो ये सिनर्जेस्टिक कॉम्बिनेशन होता है एन एरोब्स का और कॉलीफॉर्म का एन एरोब्स प्लस कॉलीफॉर्म कॉलीफॉर्म या फिर नॉन ग्रुप ए है जब नॉन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका आएगा और एन एरोब बैक्टीरिया आएंगे इन कॉम्बिनेशन तब आपका टाइप वन फेसाइटिस होगा और टाइप टू फेसाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकाय पायरोजेंस होंगे इसका जो स्पेसिफिक फीचर्स क्या है कि जो टाइप टू है वो स्ट्रेप्टोकोकाय कोकस पायरोजेंस से होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन ठीक है और ये होता है यंग हेल्दी पीपल में यंग हेल्दी पीपल में होता है जब आपका माइनर एब्रेजन होगा या फिर लेसरेशन होगा उसकी वजह से या उसके होते हुए आपका नेक्रोटाइजिंग पीपीडी फैक्टर फैक्टर है okay? बॉडी में आपके इलनेस हो जाएगा आपका हेल्थ मेंटेन नहीं रहेगा मल्टीपल ऑर्गन्स का फेलियर हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आपको लगेगा ठीक है इसकी ये जो सेकेंड है टाइप टू इसका कोई हिस्ट्री नहीं है इंजरी का मोस्टली ये कहाँ आकर होता है लोअर लिम्स में ज्यादा करके ये लोअर लिम्स में आकर होता है टाइप वन में मैंने बताया कि क्या सोर्स है अब क्लिनिकल फीचर्स टाइप वन का क्या है ये सडन देगा इसमें सडन पेन होगा पेशेंट को ग्रॉस स्वेलिंग जो स्वेलिंग होगी वो बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करेगी ठीक है रेड हो जाएगा एरिया आपका रेडनेस आ जाएगी इडमा होगा ओडिमा उसमें फ्लूड रिटेन कर जाएगा फ्लूड अंदर स्टोर हो जाएगा स्किन का नेक्रोसिस हो जाएगा और अल्सरेशन हो जाएगा स्किन का ये लीजन में स्किन का नेक्रोसिस हो जाता है एज द नेम सेज नेक्रोटाइजिंग और इसका अल्सरेशन हो जाएगा पेशेंट को हाई डिग्री फीवर होगा पेशेंट को क्या होगा हाई डिग्री फीवर होगा और जोंडिस हो जाएगा उसका रीनल फेलियर हो सकता है अगर आपने ये सारे चीजें आपने स्टोर मतलब रिस्टोर नहीं की जैसे कि आपने ट्रीट नहीं किया तब ये क्या होगा लीड करेगा रीनल फेलियर ओके क्रिपिटस इज पैल्पेबल क्रिपिटस मीन्स जब आपका टिश्यू रब करेगा तो वो पैल्पेशन पता चलेगी टाइप वन में ओके okay. अब यहां पे टाइप टू को क्योर करना बहुत आसान नहीं है ज्यादा करके पेशेंट इसमें क्या होता है कि डेथ हो जाती है उसकी ड्यू टू द मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर जब मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा जब सारे ऑर्गन्स आपके काम नहीं करने लगेंगे तब पेशेंट एट लास्ट पेशेंट का डेथ हो जाएगा ये होता है इसमें आप डेब्रीमेंट करके रिकवरी कर सकते हैं पेशेंट के अंदर ठीक है इसमें कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है इसमें प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है इलनेस से जाएगा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मीन्स आगे पेशेंट को क्या होगा किसकी वजह से और उसकी कंडीशन सिवियर हो जाएगी और यहाँ पे कोई टाइप वन में कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम हम अब उसका फुल थिकनेस बायोप्सी लेंगे जो भी एरिया है वो उस एरिया की पूरी थिकनेस लेके एक प्रॉपर अमाउंट में उसकी बायोप्सी करवाएंगे अगर उसमें वाटरी पस है फिर उसका हम डायग्नोसिस करेंगे डिस उसका वाटर कैसे होगा डिश वाटर लिक्विड टाइप होगा ओके अब ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें ट्रीटमेंट अगर टाइप वन है अगर आपका टाइप वन नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस है तो आप अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट करेंगे प्लस उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे और उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट मीन्स जल्दी से जल्दी आप उसको बहुत रैपिडली ट्रीटमेंट देंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट मीन्स आप उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे पेशेंट को उसको एडुकेट अमाउंट में हाइड्रेशन देंगे अगर उसके बॉडी में वाटर लेवल की कमी है तो आप उसको एडुकेट अमाउंट का एक प्रॉपर अमाउंट का हाइड्रेशन देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप यूज करेंगे उसके बॉडी को बॉडी के अंदर की वो जो भी बैक्टीरिया है उससे लड़ सके ठीक है अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में सर्जरी इन्वॉल्व करेंगे विथ वाइड एक्सीजन जो भी एरिया कवर हुई है उसे हमको निकालना है जनरल डेब्रीमें डेब्रीमेंट्स करेंगे हम डेब्रीमेंट्स मीन जो भी नेक्रॉस टिश्यू है हम उसको निकालेंगे हुआ है तो उतनी area हमको पूरी निकालनी है फॉलोड बाय हम follow up करेंगे फ्यू डेज कुछ दिनों तक या फिर कुछ वीक्स तक उसके बाद जब आपने सारी डेवरीमेंट निकाल ली अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अब यहाँ पे हम स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे सो दैट वहाँ पे उस एरिया पे एक प्रॉपर अच्छी स्किन आ जाए हम स्किन ग्राफ्टिंग करेंगे ये ट्रीटमेंट होता है पहले आप रैपिडली उसको ट्रीटमेंट देंगे सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे और फिर आप उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे ठीक है जब आपका टाइप टू नेक्रो नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस हो जाएगा तब आप क्या करेंगे मैंने बताया कि मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन डाई हो जाता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से यहाँ पे क्या करेंगे हम उसको हाई डोज ऑफ पेनिसिलिन देंगे प्लस क्लिंडामाइसिन देंगे ये दोनों एंटीबायोटिक्स है पेनिसिलिन हम हाई डोज में देंगे और ये चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है ठीक है और क्लिंडामाइसिन हम देंगे ये क्लिंडामाइसिन क्या है आप पैलिसलिन दे सकते हैं या फिर क्लेंडामाइसिन या दोनों दे सकते हैं क्लिंडाम क्या करता है कि ये एक पोटेंट सप्रेसर है किसको सप्रेस करता है जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिसिटी आपका सिंथेसिस कर रहा है जो भी बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी ये बैक्टीरिया है ठीक है ये टॉक्सिसिटी सिंथेसाइज कर रहा है और पूरी बॉडी के अंदर फैला रहा है तो इस बैक्टीरिया पे ये वर्क करके इसको सप्रेस करता है मीन इसको किल करता है कैसे हम मैनेज करेंगे कैसे हम ट्रीट करेंगे अगर किसी पेशेंट को हो जाएगा, तो आप ऐसे डायग्नोस करके और ऐसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं वीडियो like अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और बैचमेट के साथ फॉर इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टेंडिंग कीप वॉचिंग पेंडेंटिस्ट्री थैंक यू